नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य तेज न्यूज, तेज का तेजी से बढ़ता है यूट्यूब चैनल। लोकसभा चुनाव अब करीब आते ही सभी पार्टी चुनाव जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी का नारा है अपना बूथ सबसे मजबूत। इसी रणनीति के तहत आज गाजीपुर में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने जंगीपुर और मर्दा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मनोज सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा, कांग्रेस और गठबंधन पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि मां और बेटे से में से कोई भी लोकसभा में नहीं पहुंचेगा, अगर पहुंचा भी तो या तो सोनिया या तो राहुल, या तो सीट छोड़कर भागेंगे या लड़ेंगे तो हारेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की राजनीति का हम एजेंडा तय कर रहे हैं, बाकी लोग केवल प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की स्थिति थी, पर आज वो स्थिति हमारी है। कभी न कभी 50% से हमको लड़ाई लड़नी ही थी, सब मिलाकर लड़ेंगे ही बेहतर है। ये लड़ाई मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और फिर 50 वर्ष के लिए हाथी और साइकिल को जमीन के नीचे दफना दिया जाए। गरीबी हटाने का नारा देते देते 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक गरीबी हटाने का नारा देते रहे। उन्होंने कहा कि प्लासी का युद्ध जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही महत्वपूर्ण 2019 का लोकसभा चुनाव है। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। और मां बेटे में से दोनों लोकसभा नहीं पहुंचेंगे, सोनिया और राहुल में से एक ही जाएगा लोकसभा। ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से और पूरे आत्मविश्वास से कह रहा हूं, एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। या तो सीट छोड़ के भागे या लड़ेंगे तो हारेंगे। उत्तर प्रदेश में जितना गठबंधन ये लोग कर ले, मुझे लगता है उस गठबंधन का कोई असर होने वाला नहीं है। हम और विधानसभा चुनाव में पार्टी की कई बार पार्टी आज भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु में, देश की राजनीति का एजेंडा हम तय कर रहे हैं, बाकी लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक स्थिति थी जब कांग्रेस की स्थिति थी, आज वो हमारी स्थिति, तो सब मिलेंगे ही। और कभी न कभी हमको 50% की लड़ाई लड़नी ही थी। और बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जैसे सक्षम और प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ करके जीत लिया जाए और 50 वर्ष तक हाथी और साइकिल को फिर जमीन के नीचे दफना दिया जाए। इससे बेहतर अवसर भारतीय जनता पार्टी के लिए आ नहीं सकता। और मित्रों, मैं मानता हूं कि पानीपत का युद्ध जितना महत्वपूर्ण था, उतना ही 2019 के लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण, देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। देश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते हमारी 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। नेहरू जी से लेकर के इंदिरा जी तक गरीबी हटाते रह गए, गरीबी हटी नहीं। वास्तव में आज गरीबी हटाने की एक बुनियाद प्रधानमंत्री जी ने रखी है। वास्तव में देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, निश्चित रूप से हम यकीनी तौर पर कह सकते हैं कि गरीबी हम समाप्त कर सकते हैं और विश्व की एक मजबूत ताकत हम बन सकते हैं। इसलिए उन तमाम गरीबों की योजनाओं को आगे चलाने के लिए, उन तमाम युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए भी आवश्यकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से एक बार देश में बने। इसके लिए आज हम यहाँ संकल्प लें। मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूँ। 4-5 कार्यक्रमों का जिक्र किया है। देखिए, एक दिन प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से बात की थी, आप में से भी कुछ लोग सुने होंगे, अपना बूथ सबसे मजबूत, स्वाभाविक है पहली इकाई आउट कर ले तो मुझे लगता है चाहे कोई गठबंधन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज से लेकर के मतदान तक इसको हम कैसे करें, अगर हमारा बूथ का अध्यक्ष है, उसकी समिति है, उसको जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है मार्गदर्शन दे, उसका सहयोग करें और इस काम के लिए पूरी तरह से ताकत लगाएं। बूथ जीता, चुनाव जीता, बूथ जीतेंगे तभी विधानसभा जीतेंगे या लोकसभा जीतेंगे। चुनावों के लाभार्थी आदमी नहीं परिवार, और 4 का औसत रखिए तो 88 करोड़ लोग हो जाएंगे, उसमें कुछ मतदाता होंगे कुछ नहीं होंगे। लाभार्थियों की सूची आपको मिल जाएगी, नाम सहित, पता सहित, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर सहित। अधिक 17.5 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 1.40 करोड़ वोट से हम जीते थे, 1.40 करोड़ वोट से हम जीते थे। और मैं मानता हूं कि ये जो 22 करोड़ परिवार है, इसको ठीक से हमने साध लिया तो इस बार का अंतर इतना व्यापक होगा कि शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, इतने ज्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली।
282 सीट पिछली बार हम पाए थे, इस बार मैं मानता हूं कि आंकड़ा 300 के ऊपर जाने वाला है, उसके नीचे रुकने वाला नहीं है। राजनीति अंकगणित नहीं है कि दो धन दो चार होता, ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलता है तो पानी बन जाता है, H2O यही कहते हैं ना केमिस्ट्री में। तो हाथी और साइकिल मिलेगा तो कमल निकल जाएगा, ये तीसरा फार्मूला। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, कोई आधार नहीं रह गया, कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लाभार्थियों का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को पूरे ताकत से करने की जरूरत है। अपना घर भाजपा का घर, 5 या 7 दिन का अभियान है, देखी ने आपको बताया, हम लोगों ने करके जमीन पर दिखाया, कोई किसी की औकात नहीं जो चुनौती से हमारा मुकाबला कर सके किसी मामले में। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, लेकिन इसको हम निश्चित रूप से लोगों तक ले जाएं, लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ें। कल चंदौली में सेक्टर प्रमुख और सेक्टर प्रभारियों की बैठक है मंडल के पदाधिकारियों की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।